बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद मामू। वेलकम टू माय शो एवरीवन। दोस्तों खुश होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े के खाने इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं रबड़ी, तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो शुरू करते हैं वीडियो। कि हमने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 2 कप दूध शामिल कर लिया है और इसमें ये 2 कप मज़ीद, ये मेरा 2 कप का मेजरमेंट है। 2 कप मैंने पहले शामिल किए हैं और 2 कप ये अब इसमें शामिल करें। 4 कप हमारा दूध एक पॉट में शामिल कर लिया। चूल्हा हमने ऑन कर लिया है और इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल रबड़ी किस्म का बन जाए। तो इसको कम से कम 40 से 45 मिनट पकाना है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी थी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथ बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। यह हमने चूल्हा ऑन कर लिया है और इसको हमने 45 मिनट तक कुक करते हैं। मिलते हैं 40 मिनट के बाद। हमारे दूध में बॉयल आ गया है। अब इसकी आंच को हम बिल्कुल 0 पर ले जाएंगे और इसको 45 मिनट तक इस आंच पर पकाना है। मिलते हैं 45 मिनट के बाद। हमें रबड़ी को पकाते हुए 45 मिनट हो गए हैं। ये हमारा दूध बिल्कुल एवेपोरेट हो गया है। जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तकरीबन ये 4 कप से 2 कप के बराबर आ गया है। अब इसमें हम चीनी शामिल कर रहे हैं, तो ये 1/2 कप चीनी है। इसको मिक्स कर लें कि ये बिल्कुल हल हो जाए चीनी इसके अंदर। ये 1/4 कप पानी है और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल कर रहा हूँ। 1/4 कप पानी में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, इसको आप डाइल्यूट कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें विस्क से। ये आप कॉर्नफ्लावर इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। ये आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल ये गाढ़ी हो गई है। इसको मज़ीद 2 मिनट पकाएंगे और इसका फिर चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसको फिर हम डिश आउट कर लेंगे। जिस तरह के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका लुक, इसका टेक्सचर, बड़ी स्मूथ किस्म की हमारी रबड़ी रेडी हो गई है। यह जब ठंडी होगी तो मज़ीद ये गाढ़ी हो जाएगी। इसको हम अपने क्रीम चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुनाफा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुल्फ़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी हो गई है मुकम्मल। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपका प्यार होता है, मोहब्बत होता है, खलूस होता है, जिससे आप हमें नवाजते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।